71.1 GB जो यूज हो चुका है, ठीक सकते हैं यहाँ पे 67.2 3 GB के आसपास जो फालतू फाइल फिर। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे Realme एंड Oppo का डिवाइस यूज करते हैं तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आप Realme एंड Oppo के डिवाइस में कुछ फाइल्स हैं उनको डिलीट करके अपने डिवाइस की स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। मींस यहाँ पे जितना भी इंटरनल स्टोरेज होता है, आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो भी इंटरनल स्टोरेज होता है अपने डिवाइस में, चाहे Realme हो चाहे Oppo हो, उसमें आप कुछ यहाँ पे फाइल्स को डिलीट करके, जो वेस्टेज फाइल है उनको डिलीट करके अपने डिवाइस की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार जो यहाँ पे जो है कई यूजर्स ये सेटिंग्स को नहीं जाते हैं और कई सारे जो यूजर्स होते हैं वो कई सारे फाइल्स को डिलीट तो करते हैं फिर भी उनका स्टोरेज जो है इंक्रीज नहीं होता है। और ऐसी कौन सी फाइल्स हैं जिनको डिलीट करना चाहिए, जो कि अपने फोन में हमको नहीं रखनी चाहिए, जो कि वेस्टेज वाली फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उनको हमको कौन कौन से फोल्डर्स को जो है डिलीट करना है और अपने यहाँ पे फाइल की जो अपने डिवाइस की स्टोरेज है उसको कैसे इंक्रीज करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। आप Realme एंड Oppo का अगर कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एम करते हैं 500 लाइक्स का, अगर आपके पास वीडियो जाती है तो आप 500 लाइक्स को जरूर से कंप्लीट कर दीजिएगा और हमारी मेहनत को जो है सफल कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने डिवाइस की यहाँ पे स्टोरेज को, कौन कौन सी फाइल्स है जो कि यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक वगैरह दिए गए हैं, उनको भी आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप भी स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं अपने Realme एंड Oppo की डिवाइस में तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स जो है बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको स्टोरेज कैसे बढ़ानी है और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रूफ के मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ माई फाइल्स में, तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे 71.1 GB, मतलब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ऑफ 128 GB जो है यूज्ड। एंड दोस्तों जैसे यहाँ पे हम जो है अपने डिवाइस में जितनी भी फाइल्स है यहाँ पे डिलीट करेंगे, जब हमारा यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो 71.1 आपको जो दिख रहा है डेटा वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीज होने लगेगा, मतलब यहाँ पे जो है इसका जो यूज डेटा है वो कम होने लगेगा, जिससे कि हमारी डिवाइस की यहाँ पे जो स्टोरेज जो यहाँ पे इंक्रीजमेंट स्टोरेज में होगा, ठीक है। तो 71.1 से यहाँ पे देखते हैं अभी कितना आता है डिलीट करने के बाद, उसको मैं आपको क्लियरिफिकेशन वाली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और यहाँ पे दोनों दो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, गैलरी के लिए अलग बताने वाला हूँ, साथ में फोन स्टोरेज के लिए अलग बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या आपको फाइल से डिलीट करनी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फाइल्स बताने वाला हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हैं, देखिए कुछ फोल्डर में कुछ फाइल्स भी जंग वाली होती है तो उनको भी आपको डिलीट करना होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले जो मेरी फालतू फाइल्स है मतलब जैसे यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह बैकअप वगैरह है इनको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैंने तीन ही फोल्डर डिलीट किया है, तो अप्रोक्सीमेटली जो तीन फोल्डर डिलीट करने का कितना MB आ गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 42 MB के आसपास दो फोल्डर मैंने डिलीट किए, 42 MB के आसपास आया। लेकिन अभी आपको मैं बताया तो अभी आप अंत तक वीडियो को देखिएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये जो यहाँ पे 71 GB है इसको और हम इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिलीट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे करना क्या है, इस कलर ओएस पे टैप करना है, यहाँ पे कलर ओएस को भी आपको इस डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको टैप करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। एंड यहाँ पे आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पे फॉन्ट मिलता है, जो जो कुछ फाइल्स हैं उनको आपको डिलीट कर देनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं और यहाँ पे जो है कुछ फाइल्स वगैरह हैं ये देख सकते हैं, जैसे ये कुछ टेम्पररी फाइल जो है क्रिएट हुई है इनको डिलीट करना है। और बाकी जो आप चाहें तो इन फोल्डर्स को भी आप डिलीट कर सकते हैं, इन फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड में ओके करना है, डाउनलोड में ओके करने के बाद जो है आपका ये देख सकते हैं फालतू की फाइल्स इनको आपको डिलीट कर देना है, जो जो फालतू की फाइल्स यहाँ पे सबसे पहले डिलीट करना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि डिलीट करने के बाद तो स्टोरेज बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, स्टोरेज अभी उतना ही रहेगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा लाइव प्रूफ, ठीक है। तो चलो मैं डिलीट कर लेता हूं, उसके बाद आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं, ठीक है। मैं कुछ हद तक यहां पे जो जैसे देख सकते हैं कई सारे फोल्डर है जो कि फालतू फाइल बनी है, देख सकते हैं, ठीक है। फालतू फाइल मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं फालतू फाइल से बनी है जिसका कोई भी वैलिड यहां पे मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पे हम डिलीट कर देते हैं सब, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कई सारी जो फाइल्स बनी हुई है इनको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिलीट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देख सकते हैं कई सारी फाइल्स बनी हुई है तो इनको डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो जो फाइल्स उनको डिलीट कर लीजिएगा। अब ये मैं आपको चलता हूँ पीछे की साइड में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अभी भी 71.1 GB बची हुई है।
तो फ्रेंड जैसे आप कुछ फाइल्स को यहाँ पे जो मतलब वेस्टेज होंगी उनको आप डिलीट करने के बाद अभी करना क्या होगा, अभी आपका काम बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको करना क्या होगा कि उसके बाद जो है आपका जो गैलरी है उसको ओपन कर लेना, ठीक है। गैलरी को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी वेस्टेज वाली फाइल है उनको आपको डिलीट कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से कुछ फाइल्स को यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने डिलीट कर दिया है। अब ये देख सकते हैं जैसे डिलीट होगा तो सिंपली बैक ले लेना है, और बैक लेने के बाद आपको सिंपली नीचे चले आना है और यहाँ पे मिलता है आपको रिसेंट डिलीट, इस पर टैप कर देना, ठीक है। अभी भी देख सकते हैं ये कुछ यहाँ से डिलीट के ऑप्शन है रिसेंट डिलीट पे, ये कई सारी यहाँ पे फाइल्स अभी पड़ी हुई है, ठीक है। तो कई यूजर्स क्या करते हैं कि यहाँ से जो डिलीट से रिसेंट डिलीट से फाइल जो है डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिसेंट डिलीट पे चले आना है। देखिए अभी भी मैं आपको अपनी स्टोरेज दिखाऊंगा तो अभी भी सेम उतना ही का उतना ही है, लेकिन जस्ट अभी आपके सामने मैं यहाँ पे इसको जो है क्लियर करने वाला हूँ। अब आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम फोन मैनेजर की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे माई फाइल्स की बात करते हैं। तो माई फाइल्स को जैसे आप ओपन करते हैं इसमें कोई भी चीज आप डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने के बाद आपको करना क्या होगा कि सिंपली नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या होगा। यहाँ पे रीसेंट डिलीट मिलता है, यहाँ पे आना है और रीसेंट डिलीट में यहाँ पे इसको डिलीट ऑल करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, यहाँ से सिंपली टैप कर देना है। अभी स्टोरेज देख लीजिएगा आप 71.1 है, तो अभी थोड़ी देर में आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, कुछ स्टोरेज हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये यहाँ से घट चुका है, मीन्स यहाँ पे हमारा जो है कुछ क्लियर, मतलब यहाँ पे कुछ खाली होने लग गया, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात है जो कि यहाँ पे जो है हमारा जैसे जैसे ये घटेगा तो कहीं ना कहीं जो है हमको अच्छा सा जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी 70 हो गया, ठीक है, अभी 71.1 था, अब 71.0 हो गया, ठीक है। अब चलिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ से जो है सिंपली टैप करना है और यहाँ से रिसेंट डिलीट पर टैप करना है, यहाँ पे टिक मार करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैप करना है और यहाँ से टैप करने के बाद आपको डिलीट करना है, ठीक है। वापस से हम कर लेते हैं, यहाँ से इस पर टैप करना है, 47 फाइल्स इसको सिंपली डिलीट कर देना है। देख सकते हैं हमने डिलीट कर दिया है, अब आपको सिंपली वापस से इसको ओपन कर लेना है। देन जैसे आप इसको वापस से ओपन करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे 67.2 मीन्स यहाँ पे 3 GB के आसपास जो फालतू फाइल्स थी जिसका मुझे कोई मतलब नहीं था, जो कि यहाँ पे डिलीट करने के बाद भी बची हुई थी, उन फाइल्स को मैंने डिलीट किया हुआ है और उन फाइल्स की वजह से जो स्टोरेज यहाँ पे स्पेस ले रहा था वो स्पेस यहाँ पे फ्री हो चुका है, मीन्स यहाँ पे 3 GB 4 GB के आसपास। हो सकता है कि आपके डिवाइस में कई सारी ऐसी फाइल्स होंगी जो कि ऐसी जगह पड़ी होंगी, मीन्स यहाँ पे रिसेंट डिलीट में आपकी पड़ी होगी, वहां पे जो रिसेंट डिलीट होता है वहां पे आपकी पड़ी होगी, क्योंकि दोनों का जो रिसेंट डिलीट है वो अलग अलग होता है, मतलब यहाँ पे गैलरी का जो रिसेंट डिलीट है वो अलग होता है एंड फाइल्स का जो रिसेंट डिलीट है वो अलग होता है, ठीक है। तो दोनों का रिसेंट डिलीट अलग अलग होता है। हो सकता है कि आपने फाइल से कई सारी ऐसी चीजें फाइल्स को डाउनलोड डिलीट करी होंगी जो कि यहाँ पे 1 GB 2 GB 4 GB तक की होगी, और वहां पे गैलरी का भी आपने डिलीट किया होगा जो कि यहाँ पे 3 से 4 GB का होगा, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप यहाँ से डिलीट नहीं करते तो आपका बैकअप जो है दोनों में बना रहता है, तो उस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका जो यहाँ पे स्टोरेज है वो इंक्रीज रहता है। हाँ, ये फीचर तब के लिए फायदा है जिससे मान लीजिए गलती से आपको कोई डिलीट हो जाता है तो आप रिकवर कर सकते हैं, बस बेनिफिट वहीं पे है। लेकिन अगर आप चाहे आप डिलीट कर लीजिए, ठीक है, आपका मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई फाइल है, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा तो मेरे जो स्टोरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिलीट भी नहीं होगा, मतलब वो रिसेंट डिलीट पे जाएगा, बट वो स्टोरेज आपके फोन का ही स्टोरेज लेने वाला है। लेकिन जब आप यहाँ पे फाइनली जो है नीचे से डिलीट कर लेते हैं तब आपका जो है फाइनली तरीके से वो फाइल जो है डिलीट होने वाली है, जिससे आपका जो स्टोरेज है वो इंक्रीज होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये जो कि यहाँ पे आपने देखा, जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये जो है स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए आप अपने डिवाइस में जितने भी फालतू फाइल्स हैं उनको डिलीट करके अपने स्टोरेज को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया हुआ है। और इसी तरीके से कई सारी एग्जाम्पल फॉर मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपके पास जो है कई सारी फाइल्स होंगी जिनको आप डिलीट करके अपना स्टोरेज जो है इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप, उम्मीद करता हूँ इसके थ्रू जो है आप अपने डिवाइस का कहीं ना कहीं स्टोरेज जो है इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।